हेलो एरी वन आई एम तृप्ति वेलकम टू एनपीसी पी द चैनल वेर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिल्स सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज जीरोन वी कैन इन्फर ओके इलेक्ट्रिक फ्लग्स अगर क्लोज सर्फेस के लिए जीरो हो तो क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है सो फर्स्ट वन इज नो चार्ज इज इनक्सड बाई द सर्फेस सेकेंड वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल एक्जिस्ट विद इन द सर्फेस एंड थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन साइड द सर्फेस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट इन साइडेस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक प्लग अगर जीरो है तो उसके अंदर चार्जेस है ही नहीं ओके सो नेट चार्ज इज इंक्लोज बाय द सर्फेस ये क्वेश्चन वन मार्क का ट्वेंटी uh, ट्वेंटी एग्जाम में आया था आपके ओके लास्ट ईयर में सो नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस एल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास डाइपोल है और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब कि क्या होगा एंगल पी साइन थीठा जो टॉर्क हमने निकाला था पी साइन थीठा का थीठा का जो एंगल है, है वो, वो क्या होगा जीरो ओके सो यहाँ पर क्या होगा ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं होगा रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ठीक है एंड इज इन द स्टेबल इक्विलिबियम इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की क्या होगी ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी नहीं किया तो इस क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं ओके बट आंसर जो होगा वो सी होगा माइनस क्यू एल इंटू एके क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिफ्रेंशिएट uh, किया गया है ए एंड बी में

इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो डिपेंड करता है आर पर ओके ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर ठीक है तो ई एंड आर के बीच में आपको क्या करना है ग्राफ भी प्लॉट करना है ग्राफ भी ड्रॉ करना है ठीक है तो ये आपका जो क्वेश्चन है फाइव मार्क का है मीन्स इसमें पूरा डेरिवेशन आपको करना है प्लस ग्राफ शो करना है ठीक है 2018 में ये क्वेश्चन आया था आपके नेक्स्ट वन इज डिफाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर लाइन ऑफ द डायपोल मींस क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में सारी जानकारी देनी है प्लस ये स्केलर क्वांटिटी है या वैक्टर क्वांटिटी है उसके बारे में आपको बताना है ठीक है मतलब जानकारी देनी है इसका मतलब कि डेफिनेशन लिखनी है उसका फॉर्मूला लिखना है एंड इक्वेटर लाइन पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंडेंसिटी फाइंड की थी ड्यू टू अ डाइपोल उसके बारे में पूरा डेरीवेशन आपको करना है ठीक है सो ये आपका फाइव मार्क्स का क्वेश्चन टू थाउजेंड थर्टीन में आया था ठीक है नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फिफ्थ को आपको ए बी सी में सेग्रीगेट किया हुआ है सो ए इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ लाइन टू एट पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सुअल लाइन ओके मीन्स एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है और ड्रॉ वी वर्सेस आर ग्राफ ठीक है मीन्स जो आपके uh, पास रिजल्ट आया उसमें वी एंड आर सॉरी ई एंड आर के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है एंड सी इज द इफ दिस डाईपोल वर कैप्ट इन यूनिफॉर्म एक्शनल फील्ड डायमेट्रिकली रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिव एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इन बोथ केसेस मीन्स थर्ड जो सी वाला ऑप्शन है इसमें क्या करना है आपको टॉर्क का जो डेरिवेशन है आपने पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है एंड उसकी जो कंडीशंस है मीन्स साइन थीटा थीटा की वैल्यू अगर आप जीरो रखें वन एटी रखें नाइन्टी रखें एंड आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में टॉर्क कब मिलेगा ठीक है मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो वैल्यू है वो स्टेबल कब मिलेगी या अनस्टेबल कब मिलेगा वो पूरा आपको प्रूफ करना है मीन्स इस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको एक्चुअल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड फाइंड आउट करना है फिर आपको ग्राफ प्लॉट करना है एंड थर्ड ऑप्शन में आपको टॉर्क की जो एक्सप्रेशन है वो पूरी फाइंड आउट करनी है ओके सो फाइव मार्क का क्वेश्चन ट्वेंटी सेवनटीन में आया था नेक्स्ट वन इज यूज गाउस थियरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानेटली लार्ज प्लेन शीट प्लेन शीट के थ्रू आप ने जो एप्लीकेशंस है गाव स्लो में उसके बारे में पूरा एक्सप्रेशन डील किया था उस एक्सप्रेशन को आपको यहाँ पर डील करना है और थ्री मार्क का है अगर ये फाइव मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको गाउ स्लो भी प्रूफ करना होता एंड देन एप्लीकेशन पर आना होता ठीक है ये थ्री मार्क का है तो ओनली आपको जो एप्लीकेशन इन्फाइनिटली लॉन्ग शीट की जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपको वो एक्सप्रेशन ही फाइंड करना है ठीक है एंड ये क्वेश्चन 2016-17 में आया था तो ये जो हमारे क्वेश्चन है लास्ट ईयर जो इस चैप्टर में से आए थे अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कूलम स्लो कुलम स्लो में से वन मार्क्स के टू मार्क्स के थ्री मार्क्स के भी क्वेश्चन बन जाते हैं वो किस तरह से तो वन मार्क के क्वेश्चन मैं आपको के की अगर वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है नाइन इंटू टेन पावर नाइन वो फाइंड करने के लिए आ जाए या फिर एप्सलॉन नॉट के बारे में कुछ आ जाए ठीक है तो वो क्या होता है एप्सल नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम तो इस तरह से आपके कुलम स्लो में वन मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं टू मार्क में कुलम स्लो को सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना है ठीक है मतलब उसका जो फॉर्मूला है एफिक वस टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर मींस इसको प्रूफ करना है आपको स्टेटमेंट लिखना है वो टू मार्क का हो जाता है थ्री मार्क में आपको वेक्टर फॉर्म भी दे दिया जाता है ठीक है मीन्स कुलम स्लो का आपको स्टेटमेंट तो लिखना ही उसको प्रूफ भी करना है प्लस वेक्टर फॉर्म को भी आपको एक्सप्रेस करना है ठीक है तो ये उलम स्लो का इंपॉर्टेंट वन टू थ्री मार्क के क्वेश्चन नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल के भी आपके वन टू थ्री मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं वन मार्क्स में आपको डायरेक्शंस पूछ लें ठीक है इलेक्ट्रिक डायपोल का जो फॉर्मूला है वो पूछ लें टू मार्क में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में स्टेटमेंट आ जाएगा ठीक है स्टेटमेंट एंड फॉर्मूला एंड थ्री मार्क्स में आपको पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आ जाए या फिर उसके साथ में एक एप्लीकेशन करने को आ जाए एक्सेस में ठीक है द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी को आपको लर्न करना है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है वन मार्क का ओके नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स में से भी आपको वन टू थ्री मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं वन मार्क्स का कैसे आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो एरिया वैक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसी क्वांटिटी है स्केलर है या वेक्टर है इस तरह से आ सकता है टू मार्क में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए इसको प्रूव करना आ सकता है ठीक है एंड थ्री मार्क्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही है उसके बाद में आपको उसको उसका जो डेरिवेशन है वो फेयर के थ्रू जो आप करते हैं वो पूरा आपको डिराइव करना है ठीक है एंड गाउस लो गाउस लो में भी इसी तरह से डायरेक्शन्स आ सकती है स्टेटमेंट आ सकता है गाउस लो का फॉर्मूला आ सकता है गाउस लो की जो लिमिटेशंस है ओके okay, गाउस लो की जो लिमिटेशंस हैं वो आपको वन मार्क्स में पूछी जा सकती वो है वो इम्पोर्टेंट है इन्स गाउस लो में जो सरफेस होनी चाहिए वो क्लोज होनी चाहिए थ्री होनी चाहिए ठीक है और गाउसियन जो सरफेस होती है ओके गाउस लो में जो सरफेस आप यूज करते हैं वो गाउसन सरफेस होता है गाउशन सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए तो इस तरह के वन मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं टू मार्क में आपको स्टेटमेंट और फॉर्मूला ही देना है एंड थ्री मार्क्स में उसको डिराइव करना है ठीक है तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पूरे कर कर ही जाना है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है सो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट होना चाहिए सो तो ये हुआ आपका आज का वीडियो नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच